जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुरेश रैना के बारे में। आपने कभी सुना होगा सुरेश रैना के बारे में। सुरेश रैना वो बहुत बड़े एक क्रिकेटर हैं। सुरेश रैना बहुत बड़े एक क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे खेलते हैं। तो सुरेश रैना के बारे में फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी एक विकर्ण न्यूज़ चल रही है कि सुरेश रैना है वो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुरेश रैना अभी हमारे बीच में नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया पर अभी बहुत चल रही है। तो आपके मन में भी क्या चल रहा है? अगर आप भी सुरेश रैना के फ़ैन है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों, ये अभी न्यूज़ चल रही है सुरेश रैना के बारे में। तो मैं बता दूँ कि सुरेश रैना अभी हमारे बीच में है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि सुरेश रैना अभी हमारे बीच में है। सुरेश रैना के कार एक्सीडेंट होने से सुरेश रैना गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले गए। ये अभी सोशल मीडिया पर ऐसे ही दावा किया जा रहा है कि सुरेश रैना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सुरेश रैना हमारे बीच में है और सुरेश रैना का अभी इलाज चल रहा है। सुरेश रैना यूपी से कानपुर जा रहा था, उस तो यूपी में कानपुर जा रहा था अपने गाँव से। तो उस समय उसको कार से एक एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, एक्सीडेंट होने से हर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ये अभी सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ बिल्कुल चल रही है सुरेश रैना के बारे में। और अगर हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया कि सुरेश रैना भी कार से एक्सीडेंट हुआ और अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप बिल्कुल है ना बता सकते हैं कि सुरेश रैना है वो अभी एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो आपकी अगर क्या राय है इसके बारे में, अगर आप बताना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिए कि सुरेश रैना है वो भी मौजूद है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।